हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस इज रितेश नानवानी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज था थर्सडे, वीकली एक्सपायरी, कल फ्राइडे के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, कहां पर ट्रेड करना है 21 जनवरी को और क्या लेवल्स फॉलो करने हैं। अभी यहां पर निफ्टी की आज आप गिरावट देखोगे तो कल हमने इस गिरावट को एनालाइज किया था, हमने प्रेडिक्शन किया था गिरावट आ सकती है, आज लेवल्स फॉलो हुए अच्छे से, काफी अच्छा प्रॉफिट मिला एक बैंक निफ्टी के अंदर। उम्मीद करता हूं आपने भी इस गिरावट के अंदर प्रॉफिट बुक किया होगा क्योंकि हम कल ऑलरेडी यही एनालिसिस करके गए थे कि सेलिंग आ सकती है और सेलिंग को हम ट्रेड करेंगे। आप जाके YouTube की वीडियो का थंबनेल तक देखेंगे तो उस पे भी मैंने यही लिखा था, only selling और no trade, कहीं पर भी buying नहीं होगी, और वो गिरावट हमें आज अच्छे से दिखाई दी। अभी यहां पर निफ्टी का लेवल अगर हम देखें तो 17650 तक निफ्टी गिरा है। पीछे के लेवल पे जाएं तो यहां पर 17650 टेस्ट हुआ था, इस लेवल पर 17650 है और यहां पर भी ये 17650 तक ही गिरा था। अगर ये लाइन पूरी हम ड्रॉ करते हैं तो आज की गिरावट एग्जैक्ट सही लेवल तक गिरावट आ चुकी है और उसके बाद में 150 पॉइंट मार्केट यहां से रिवर्स भी कर चुका है। 17650 का जो लो बनना था वो लो बना के 17700 से 800 के आसपास 150 पॉइंट ऊपर ये क्लोज दे चुका है। तो यहां पर जहां तक गिरावट आई है, जो सपोर्ट है उधर से मार्केट इंट्राडे में ऑलरेडी आज ऊपर जा चुका है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो क्या इस लेवल से ये समझें कि मार्केट यहां से बुलिश ट्रेंड में जाएगा या फिर ये समझे कि थोड़ा साइडवेज होके ये यहां से नीचे गिर जाएगा, आपको एक सिग्नल चाहिए। देखो यहां पर एक प्राइस एक्शन का एक यहां पर मैं आपको पैटर्न बनाता हूं, जो कि पैटर्न नहीं है पर साइकोलॉजी से आप उसको समझ पाओगे। मार्केट यहां पर डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया, इस नेकलाइन को ब्रेक किया, 17650 पे रीटेस्ट होके बाद में ऊपर गया, ठीक है, 17650 पे बाद में रीटेस्ट होके ऊपर गया, तो इसको वापस नीचे आने की और इतनी बड़ी सेलिंग दिखाने की क्या जरूरत थी। यहां पर ये रीटेस्ट हुआ था, अच्छे से रीटेस्ट हुआ था ये इस जगह पे, फिर इसको वापस नीचे आने की क्या जरूरत है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक सेल ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है, ये एक रीटेस्ट भी हो सकता है और एक सेल ट्रेंड भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। अभी हम यहां पर ये देखेंगे, अगर मार्केट यहां पर 17600 से 800 के बीच में एक दो दिन होल्ड कर जाता है तो ये नीचे निकल जाएगा। अगर ये डायरेक्टली जैसे आज इसने क्लोजिंग टाइम पे विक बना के 150 पॉइंट का नीचे से रिजेक्शन देके बुलिश होके बंद हुआ है, अगर कल ये गैप अप ओपन होके डायरेक्टली ऊपर चला गया यहां से, तो हम बुलिश हो जाएंगे। पर अच्छी बाइंग हम तभी प्रेडिक्ट करेंगे जब निफ्टी 18000 से ऊपर सस्टेन करने लगेगा एक दो दिन तक। आपको मार्केट दो तीन दिन ट्रैप कर सकता है 18000 से 17650, ये 350 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आपको एक दो दिन ट्रैप कर सकता है क्योंकि तीन दिन कंटिन्यू सेलिंग दिखाई दी है, बड़ी कैंडल्स बनी है। अब हो सकता है मार्केट में वॉलिटाइल और छोटी कैंडल्स बने, तो ये 250-300 पॉइंट की रेंज है, थोड़ा सा मार्केट आपको ट्रैप कर देगा, ना यहां से बुलिश ना यहां से बेयरिश। 17650 एक अच्छा लेवल है, 17650 के नीचे, 600 के नीचे सस्टेन करेगा तो एक और बड़ी गिरावट निफ्टी में आपको अगले आने वाले दो तीन वीक में दिखाई देगी। पर ये आज 17650 अच्छे से टेस्ट होके मार्केट ने यहीं से आज ही बाइंग दिखा दी है, तो ये बाइंग को पहले डिसाइड होने दो कि यहां से एक अपट्रेंड शुरू होगा या ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की बाइंग है, मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि यहां पर क्या हमें ट्रेड मिलता है क्या। 1 आवर में हम पहले देख लेते हैं, 1 आवर चार्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1 आवर चार्ट में आप देखेंगे 17650 पे ये डायरेक्ट रिवर्स हो गया, यहां पर इसने डबल बॉटम भी बनाया है। बहुत से लोग बोलेंगे कहां दिख रहा है डबल बॉटम, मुझे दिख रहा है रेड कैंडल में एक बॉटम लगा है, ग्रीन कैंडल में भी एक बॉटम लगा है यहां पर। अगर आप इसी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, टाइम फ्रेम को छोटा कर दोगे, तो आपको एक क्लियर डबल बॉटम भी यहां पर देखेगा। कैसे, यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक छोटा सा डबल बॉटम आपको दिखा है, मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। पर इसी जगह पे ये बाइंग जो 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट की बाइंग आई है, ये आने के बाद में हम इतना ऊपर बाय नहीं कर सकते क्योंकि 17900 से 940 की ये रेंज जो है ये हमें यहां पर ट्रैप कर सकती है। ऑलरेडी 800 पर आ चुका है, 850 पर आप बाय करते हो, 900 तक आप ट्रैप हो जाओगे। इसके लिए 17900 से 950 का जो लेवल है ना, यहां तक निफ्टी को आने दो, ऊपर फिर से एक शूटिंग स्टार या नेगेटिव कैंडल देख के इंट्राडे में भी सेल कर सकते हो आप। अगर आपको नीचे मिल जाता है 700 या 650 पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाता है, नीचे आने दो, फिर आप बाय कर सकते हो। एग्जैक्ट क्या हम प्लान कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं, सिंपल सपोर्ट पे बाय कर। रेजिस्टेंस है 17900 से 940 का और सपोर्ट है 17650 से 700 का। सपोर्ट पे आएगा बाइंग, रेजिस्टेंस पे आएगा सेलिंग, इसके बीच में कहीं पर भी गलती से ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ट्रैप हो सकता हूं, क्योंकि यहां पर तीन दिन
बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है और ये रेड कैंडल से मार्केट ऊपर जाएगा या रेड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा मुझे नहीं पता, ट्रेंड डिसाइड होगा, तो ये ट्रेंड डिसाइड होने दो। इसके बीच में इंट्राडे ट्रेड लेने हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने का वेट करो। रेजिस्टेंस 17,900 से 9,940, सपोर्ट 17,650 से 17,700। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं निफ्टी के अंदर, इसी के बेस पे ट्रेडिंग प्लान होगी, अदरवाइज बीचों बीच इस लेवल के बीच में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होगा। ऑप्शन चेन देखना जरूरी नहीं है क्योंकि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे का ऑप्शन चेन डेटा अभी आया नहीं होगा, हम मंडे को एनालाइज करेंगे कि ऑप्शन चेन कैसे काम करना है। अभी यहां पर हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें यहां पर वन डे कैंडल में, हम यहां पर चलते हैं कैसी कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी भी एग्जिट गिरावट दिखा चुका है जहां तक गिरना चाहिए था, 17,550-600 तक के हमारे टारगेट थे, 17,500 से 17,600 के, एग्जिट 17,600 पे आके ये रिवर्स कर गया, थोड़ा सा 30-40 पॉइंट मिस हो गया, इतना बनता है। पर इस लेवल को आप यहां पर अगर ड्रॉ करते हो तो बैंक निफ्टी यहां से टच होकर ऊपर आज निकल गया है और यहां से अब मार्केट बुलिश भी हो सकता है। अगर यहां पर 2-3 दिन होल्ड करता है तो मार्केट वापस से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग एनालिसिस नहीं है, सिर्फ ऊपर से छोटा सा सेल ट्रेंड था जो कि सपोर्ट पर आया है। अब ये सपोर्ट यहां से नीचे ब्रेक होता है, सपोर्ट से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर जाता है, इसके लिए 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा, मार्केट वॉलिटाइल हो जाएगा, यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अगर इसको बुलिश होना है, अगर इसको यहां से वापस से बुलिश होना है तो ये आपको कल फ्राइडे के दिन ही एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा देगा। क्यों? क्योंकि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप में क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो किसी लेवल पर अगर डिमांड आ रही है बायर्स की तो वो वेट नहीं करेंगे, वो खरीदते चले जाएंगे और उसको स्पीड में ऊपर ले जाएंगे। जैसे आज क्लोजिंग टाइम पे ही 15 मिनट में देखें बैंक निफ्टी के अंदर भी यहां पर 300-400 पॉइंट की बाइंग आ गई, ठीक है। तो यहां पर डिमांड इतनी ज्यादा थी, पहले सपोर्ट था कि आज क्लोजिंग टाइम एक्सपायरी के टाइम पे भी 300-400 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया। तो यही अगर बाइंग कल भी कंटिन्यू होती है तो यहां से मार्केट अपट्रेंड में जा सकता है। पर ये बाइंग अगर कल होल्ड कर जाती है, मार्केट वापस से लो टेस्ट करता है तो, और यहां पर 1-2 दिन होल्ड करता है तो बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है चार्ट के पीछे की, चार्ट हमको सिर्फ पैटर्न्स के बेस पे नहीं समझ में आते, चार्ट कैसा करेगा, क्या कैंडल्स बन सकती है, ट्रेडर्स कैसा बिहेव करेंगे, कैसे ट्रेडिंग यहां पर होनी चाहिए, यहां से अप ट्रेंड जाना चाहिए, मार्केट के डाउन ट्रेंड जाना चाहिए, ये सारा चीजें आपको साइकोलॉजी के बेस पे समझ में आती है जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में आता है। अभी बैंक निफ्टी में आपको यहां पर एक रेंज दिख रही होगी, ये रेंज तो ज्यादा वो क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं यहां पर बैंक निफ्टी में आपको 38,300 से लेकर यहां पर 37,750 तक पूरा मार्केट साइडवेज दिख रहा होगा। साइडवेज नहीं है, अगर हम बात करें तो ये 500 पॉइंट की मूवमेंट है, ये 300 पॉइंट की मूवमेंट है, यहां पर बुलिशनेस 300-400 पॉइंट की मूवमेंट है, नीचे से ऊपर तक यहां पर 250-300 पॉइंट की मूवमेंट है। तो ये मार्केट साइडवेज नहीं है, पर एक लॉन्ग टर्म व्यू में अगर वन डे की कैंडल या वन आवर की कैंडल खोलेंगे तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। हमको बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बुलिश अभी नहीं होना चाहिए, 38,300-350 से ऊपर बुलिश होगा तो हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग बुलिश हो जाएंगे, इक्विटी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो हम यही सोचेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वहां पर बेचें, छोटा स्कैल्प ट्रेड लें इंट्राडे के अंदर, और जो सपोर्ट है वहां पर बाय करके छोटा स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस यहां पर, यहां से गिरना चालू हुआ तो 38,000 एक रेजिस्टेंस है, अगर बाय एनी चांस इससे ऊपर निकल जाता है तो 38,150 एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों पे आता है 38,000 या 38,250। अगर कोई नेगेटिव कैंडल यहां पर ऊपर के लेवल पे शूटिंग स्टार या बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है वापस सेल कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ दिखेगा आपको, 1-2 दिन मार्केट इसी के बीच में घूम सकता है। अभी अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो नीचे का सपोर्ट पहला हमारे पास है 37,750, कल यहां पर टेस्ट हुआ था, कल 37,800 पे भी होल्ड कर गया था, अगर इससे भी नीचे निकलता है तो 37,600 भी एक सपोर्ट है, 37,750 भी एक सपोर्ट है, इन दोनों के पास में 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल मिलती है तो हम बाय करेंगे, बड़े गैप अप गैप डाउन को अवॉइड करेंगे। क्लियर लेवल में आपको इसलिए नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट इस प्राइस पे आप बाय या सेल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये पूरी रेंज आप देखोगे तो यहां पर एक लॉन्ग टर्म व्यू में एक 5-6 दिन का डेटा निकालोगे बैंक निफ्टी के अंदर तो आपको मार्केट साइडवेज या हाई वॉलिटाइल टू साइडवेज मार्केट नजर आएगा। अभी यहां पर ये ट्रेंड लाइन भी हम मैच कर सकते हैं, वैसे तो ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर आता है तो 38,000 के ऊपर बाय कर सकते हैं, पर 38,000 के ऊपर 38,100 पे रेजिस्टेंस लेता है तो ट्रैप हो जाएंगे, 38,200-150 के आसपास भी रेजिस्टेंस है, 350 के आसपास भी रेजिस्टेंस है, इसलिए एक बार मार्केट को डिसाइड करने दो इसको कहां पर जाना है, उसके बाद में अच्छे से ट्रेड करेंगे। फिलहाल मैंने आपको लेवल बता दिया कहां कैसे ट्रेड करना है,
38,000 या 38,250 के बीच में कहीं भी नेगेटिव कैंडल बनती है, रेड कैंडल 15 मिनट की, उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप वापस से सेल कर सकते हो। अगर नीचे यहां पर 37,600 से 37,750 सपोर्ट के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसी बुलिश कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर कोई लेवल आपको फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल मार्केट यहां पर सपोर्ट पे आ चुका है, सपोर्ट पे ब्रेक करता है या सपोर्ट को नीचे गिरता है या सपोर्ट से यहां पर डिमांड ज्यादा आने के बाद में मार्केट यहां से बुलिश हो जाता है, यह हमें एक या दो वन डे कैंडल बनने के बाद में पता चलेगा। आई होप आपको लेवल्स एंड पॉइंट्स सारे समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।